इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो आपको पता ही होगा कि कल देर रात डैनियल रिकार्डो ने मैकलरन टीम से अलविदा लेने का फैसला कर लिया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वीडियो डालते हुए कहा कि वो और मैकलरन अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे से पार्ट करने का फैसला लेते हैं, यानी कि अगले साल हम 2023 में उनको भगवे कलर की जर्सी में नहीं देखेंगे। वैसे तो आपको पता ही है कि डैनियल रिकार्डो का जो कॉन्ट्रैक्ट है मैकलरन के साथ वो 2023 तक था, और उनकी नॉट सो गुड परफॉर्मेंस की वजह से टीम की प्रिंसिपल और बाकी टीम उनसे खुश नहीं थी, और वो अपने सेकंड ड्राइवर लैंडो नॉरिस से काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म हो रहे थे। तो इसके चलते हुए ये भारी कदम मैकलरन को उठाना पड़ा, जहाँ उन्होंने बहुत से और ड्राइवर को अप्रोच किया और ऑस्ट्रेलिया के नए ड्राइवर और F2 विनर ऑस्कर पियास्ट्री को उन्होंने एल्पिन की नाक के नीचे से निकाल लिया। अभी देखना ये है कि मैकलरन में जो दूसरी सीट खाली है वो अब कौन भरेगा, बट जहाँ तक सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो ऑस्कर पियास्ट्री को जाएगा। लेकिन एल्पिन इतनी जल्दी हार नहीं मान रही है और वो लगी पड़ी है ऑस्कर को अपनी टीम में लेने के लिए। बात करें डैनियल रिकार्डो की, जिसके लिए वीडियो बनाया है, तो उन्होंने अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है कि वो कहाँ जाएंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एल्पिन जाए, और हास में भी जाने के उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। विलियम्स की भी एक सीट खाली है, बट विलियम्स में जाने से अच्छा है कि वो एक साल बाहर ही बैठे, और अगले साल 2023 में जब बहुत से ड्राइवर जो सीट खाली कर रहे हैं, जिनमें से मर्सिडीज़ के लुइस हैमिल्टन भी हैं जो कि शायद रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो वो उन्हें अप्रोच करें, क्योंकि डैनियल रिकार्डो एक बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर है और 8-time ग्रैंड प्री विनर है, तो टीम को उनका पोटेंशियल तो पता ही है। बट इस टाइम ऐसी परफॉर्मेंस और इस तरीके से जाने के बाद काफ़ी टीम उन पर अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुकी हैं, लेकिन रिकार्डो की माने तो वो एक बहुत ही हाईली पेड और बहुत ही हाईली स्किल्ड ड्राइवर हैं, जिनको छोटी टीम अफोर्ड नहीं कर सकती। हास की जो बात आ रही है बहुत ज़्यादा, तो रिकार्डो को बहुत भारी पे कट लेना पड़ेगा, और एक साल शायद वो वहाँ बिता सकते हैं, क्योंकि 21 मिलियन का तो जो मैकलरन से उनका कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि वो टीम छोड़ने पे लेंगे पैसे, सो पैसों की कमी तो नहीं होगी यहाँ पे। बट अब देखना ये रहेगा कि डैनियल रिकार्डो जाते कहाँ हैं। इस न्यूज़ से F1 पंडित के जितने भी मेम्बर्स हैं काफ़ी दुखी हैं, और इसलिए इस फ्राइडे एक स्पेशल दुखी स्ट्रीम भी होगी बेल्जियन GP के साथ वाली, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुख मनाया जाएगा और शोक मनाया जाएगा। बट आप लोग इस डिसीज़न से कितने दुखी हैं और दुखी ही होंगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, और ये भी बताएं कि क्या लगता है आपको रिकार्डो कहाँ जाएंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद।